हाय दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के बीच एक और नया वीडियो लेके, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता चल ही गए होंगे, अरुणाचल रंग महोत्सव एक थिएटर फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है 13 से लेके 19 फरवरी 2023 तक। तो ये एक थिएटर फेस्टिवल है जिसमें 3 नाटकों का शोज होंगे, जिसका डायरेक्टर है रिकेन गोमने, गोगे बाम और रिलिंग गोमने। ये तीनों का डायरेक्ट किया हुआ 3 शोज 3 थिएटर प्ले होने जा रहा है, एक 13 यानी कि आज, एक 16 और एक 19 को होने जा रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये थिएटर प्ले हमारे अरुणाचल के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर बना है, ये थिएटर प्ले उनके ऊपर होंगे। और साथ ही साथ बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये थिएटर प्ले को लेके, और जो आर्टिस्ट है जो परफॉर्म करने वाले हैं ये थिएटर प्ले में, तो उन लोगों से भी मैं पहले भी मिल चुका हूँ नामसाई में, कई लोगों को, तो हम सब काम भी कर चुके हैं नामसाई में। तो आप लोग अगर मेरा नामसाई वाला ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा, तो वहाँ पे भी हम अरुणाचल एक सफरनामा एक थिएटर प्ले किए थे एक साथ। तो बहुत दिनों के बाद आज मिलने जा रहा हूँ अपने दोस्तों को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी अगर ICR में हो तो प्लीज देखिए जरूर। तो चलिए दोस्तों, बातें भी ज्यादा हो गया है, अभी मैं निकल चुका हूँ घर से। शो जो है एग्जैक्ट 6 बजे से स्टार्ट होगा, तो 5:30 तक जैसे भी पहुँचता है वहाँ पे, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच गए हैं DK कन्वेंशन हॉल में, और मेरे साथ आया है ये मेरा दोस्त है मकबू भी लगता है, ये जो बहन बसर और ये बहन अपी, तो हम तीनों भी आए हैं, और एक आने वाला है उसको भी अभी रुक रही है DK कन्वेंशन हॉल के बाहर में। तो चलिए देखते हैं, ये है आज का शो का पोस्टर, चोपा प्लंगलू, कंसेप्ट एंड डायरेक्शन रिकेन गोमने सर का है, तो उसका ही शो होगा आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे कुछ लोग, कुछ हमारे ही ताई खमती लोग हैं शायद, फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे भी एक पोस्टर लगा है आज का शो का, तो यही सेम ही है, चोपा प्लंगलू तसदिया खोवा गोहेन ताई खमती रेबेलियन ऑफ 1839 का कहानी है शायद। अच्छा, मेन पोस्टर यहाँ लगा है, यहाँ 3 शो का लग गया है पोस्टर, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं तीनों शो का पोस्टर लगा है यहाँ पे। ये रहा नीनू 80, इसका है रिलिंग ओमने, डायरेक्टेड बाय रिलिंग ओमने है, रिलिंग ओमने जी का है ये, डायरेक्शन किया हुआ। और ये रहा वार क्राई ऑफ द माउंटेन, ये है गोगे बाम जी का, हनी गोगे का है ये। और आज जो शो होने वाला है ये चोपा प्लंगलू। चलो हजू, तो दूसरा दोस्त भी आ गया है, ये है न्याना, न्याना कारी। चलिए, तो एंट्री यहाँ से कर रहा है, लाइन लगा हुआ है, और ये लोग के हाथ में तो एंट्री पास है शायद, हमारे पास तो नहीं है। चलिए आगे जाके पूछ के देखें। अरे ये तो हमारे ही दोस्त थे गुलाबी, बहुत बिजी है लग रहा है, चलिए पूछ के देखते हैं। गुलाबी, ओ हाय, ये कैसा एंट्री वगैरह पास एंट्री करेगा? तुम इधर जाओ, उधर मैं म्यूजियम में जा। अरे हाय, कैसा है? ठीक है, एंट्री कैसा? यस सर। तो ये था हमारे ही दोस्त मिस्टर मिंजम पादू, जो कि मिस्टर अरुणाचल 2021 रह चुके हैं। ये क्या है? हाँ, ये मतलब ये ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग कुछ नहीं। आप इसको, अरे इसको अलाउ नहीं, इसको हाँ ये मेरी है क्या? अरे बाप रे, मेरा मोबाइल गिम्बल को अंदर ले जाने नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने कन्विंस कर लिया है। अरे रवि, ठीक है ना? ठीक है, अच्छे से करो दे। तो चलिए अंदर घुस जाते हैं, ये रहा अंदर का नज़ारा। तो सभी लोग अभी आना शुरू कर ही रहे हैं। तो वो था हमारा रिकेन सर, रिकेन गोमने, असिस्टेंट प्रोफेसर NST नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से है, और आज का प्ले का डायरेक्टर है।
तो मैं अभी अपने दोस्तों से मिलने बैकस्टेज जाऊंगा, और बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है एक्चुअली, तो इसीलिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या क्या कर रहा है, प्रिपरेशन में क्या क्या चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं बैकस्टेज में। तो दोस्तों अभी मैं बैकस्टेज में हूँ और सभी मेरा दोस्त लोग अभी ड्रेस कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो सबसे नहीं मिला है, कुछ लोगों से मिला, कुछ दोस्तों से। तो ये देखिए, ये तेली लुक अभी ड्रेस कर रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं यहाँ से अंदर चला जाऊँगा वहाँ पे, और वहाँ पे बैठ के मज़े लूँगा। ये है जुमले, आप सभी लोग जानते होंगे, ताकार। तो ये है तेली, मेरा दोस्त, मेरा यार, FTI से शुरू से लेके अभी तक। आपने बाकी लोगों को मिला? नहीं मिला। हाँ, बाकी लोगों को मिलने जा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो कैसा है? बाका। आया वो तक गया। बुला कर जैसे। हाँ, बहुत दिन से। आया नहीं। देखिए सभी लोग बिजी हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, और थिएटर प्ले में ऐसे ही होता है, झट से ड्रेस चेंज करना है ब्रो, और ऐसे ही बहुत ही मुश्किलें आते हैं। हाँ ठीक है, अरे दोना बहुत दिन का बाद। अच्छा से शो को एंजॉय करो। हाँ, और वीडियो भी बना के ना अपलोड करो। अभी लास्ट हुए हम सब चार बार एंट्री होते हैं मेरे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं निकल चुका हूँ बैक स्टेज से, अभी बाहर में हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा शो को। मेरा दोस्त लोग अभी वहाँ रह गया है, अभी ढूंढने जा रहा हूँ मैं। और एक दोस्त वहाँ बैठी है, बहुत ही बिजी लग रहा है एक लड़की। तो वो है कार्पी बसार, दोस्त है, आर्टिस्ट भी है, लेकिन ये आज परफॉर्म नहीं कर रही है, ये कह रही है कि आज ये होस्टिंग करेगी। तो दोस्तों हमारे ऑनरेबल CM सर भी आ चुका है। ये कौन कौन है साथ में? चौना मैन सर और बामांग फेलिक्स सर भी आए। तो चलिए दोस्तों, अभी शो शुरू होने वाला है, हमारा CM सर भी आ चुका है, पेमा खंड सर, वो आगे में बैठा हुआ है। तो अभी लाइट भी शायद ऑफ हो जाएगा, आप सभी को दिखा नहीं पाऊंगा। तो शो स्टार्ट होने से पहले अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है आज का शो का। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद हमारे CM सर शो आरंभ करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करेंगे। कुछ ही समय में हम नाटक शुरू करने जा रहे हैं नाटक, लेकिन शुरू करने से पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए रिके मोमले जी से दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू सर को स्टेज पर लेकर आए, उसके साथ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री चौना मेन जी को और माननीय गृहमंत्री बामांग फेलिक्स जी को और खालिद थैयब सर बैठे थिएटर आर्टिस्ट एंड टीचर थे स्टेज पर लेकर आए। दोस्तों 10 मिनट का ब्रेक दिया है अभी, तो सॉरी, आप सभी को माफी चाहूँगा, वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउ नहीं है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आया, और हाफ टाइम बाकी है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? Whoever is watching Tokens blog, please do watch his blog. बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हैं। तमुल आंटी का भी इंटरव्यू देखा मैंने। दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट्स थी या कुछ और, मुझे तो समझ में नहीं आया, बट सी इज़ वेरी नाइस, दिल से बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो सेकेंड हाफ अभी होने वाला है, तो सो सॉरी दोस्तों, आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाया, क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, शुरू से ही बोल के रखा था। Show के director, one and only, Rican Hollander!
थैंक यू वेरी मच। आप लोग देख सकते हो पेन अरुणाचल, पेन इंडिया कह सकते हो, बाहर से भी लाए हैं, जितने भी जो डिजाइनर्स हैं, जितने भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। एनएसडी ग्रेजुएट है सुनीत है, और यहाँ से भास्कर है, और हमारे यहाँ के भी जमजा है, और बाकी यहाँ भी देखते होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। और मैं बहुत बहुत भावुक होकर मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम नाटक करने वाले, थिएटर करने वाले, परफॉर्मेंस तो है, परफॉर्मेंस के बाद क्या, हम कोशिश ये करते हैं कि हम इंसान बनाए, अच्छा इंसान। हमारा एम परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हो, हमारे यहाँ ब्यूटी पेजेंट से भी है, मिस्टर अरुणाचल भी है, प्रेजेंट मिस्टर अरुणाचल भी है, पास्ट जो फॉर्मर मिस्टर अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल सब है, लेकिन हम लोग, हम क्या, मेरा ये सोचना है, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं सर, लेकिन हमारा ये सोचना है, आर्ट क्या है, आर्ट एक अच्छा ह्यूमन बींग, एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा इंडिविजुअल क्रिएट करने की कोशिश, उस पहल में हमने जुड़े हैं, और बेहद अमेजिंगली बहुत अच्छा काम कर पाए। लेकिन ये सपना सपना कभी नहीं हो सकता, आपको पता है, ये पहली बार हुआ है अरुणाचल में, नेवर इन द हिस्ट्री। आप मणिपुर में जाओ, असम में जाओ, इट हैज बीन हैपनिंग सिंस, यू नो, कह सकते हैं 100 ईयर्स से, लेकिन फर्स्ट टाइम 2022 में शुरू हुआ, जर्नी 23 में ये हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का बहुत 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 आभारी हूँ कि हम इस तरह का एक पहल शुरू कर पाए, और मुझे भरोसा है, आप लोग जिस तरह से हम पर भरोसा किए हैं, ये एक इंसान बाहर जाएगा, 50-50 इंसानों को ये बताएगा कि नाटक क्या है, अच्छा इंसान बनना क्या है, आप सोसाइटी में आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है, आप कौन हो, ये हमारा पहल है। और नाटक तो बनता रहेगा, इससे भी अच्छा नाटक बनाते रहेंगे, बहुत होगा, लेकिन इंसान बनाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बिलीफ में आपने हमारे साथ दिया, रवि बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, मजा आया, चलो फोटो ले ले। बहुत ही अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैरिस एकदम बढ़िया। ऑडियंस आ सकते हो फोटो खींचने, एक्ट्रेस मत जाओ, आप लोग के साथ फोटो खींचेगा तो प्लीज कहीं नहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत मजा था, सब बहुत बढ़िया, कहीं नहीं एक्ट्रेस मत जाइए, आ वाला रे तो दोस्तों और दोस्त बाकी है 16:11 AM और इवनिंग 6 PM को होगा, और 19 को भी सेम टाइम होगा, तो आप सब भी आइए और थिएटर प्ले का आनंद उठाइए। गुलाबी जा रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे लगा? बहुत अच्छा, 19 में मेरा होगा, हां 19 सब लोग जाओ जाओ, 16 में नहीं आज 19 में नहीं 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 19 को भी आएगा, ठीक है, अच्छे से करो, गुड लक, बाय बाय। तो दोस्तों अभी मैं बाहर में हूँ, निकल चुका हूँ वहाँ से, तो प्रोग्राम ओवर हो गया है दोस्तों, बहुत ही मज़ा लगा, बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही कुछ कहा नहीं जाता। तो आप सब भी आइए, 16 को भी और होने वाला है, और 19 को भी और एक शो है, तो प्लीज़ जो जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और एक्सपीरियंस करके देखिए।